बेटा एक काम कर, मेरी आंटी को बुला ले बगल से, है ना। मेरा पादू बच्चा ना, पादू बच्चा ना मेरा, मैं आ रहा हूँ बेटा। पापा मेरा आंटी आ गई, हम उनके साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी सीधा हॉस्पिटल आ जाइएगा। हाँ ठीक है। ये देखो आज हमने क्या बनाया, अपने बेटू का फेवरेट पोहा। साक्षी बेटा, दो महीने के बाद स्कूल जा रही है, रो कर, ऐसा नहीं करते ना। अच्छा अच्छा बच्चा ना मेरा। बेटा हम दोनों को ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि अब तुम्हारी मम्मी कभी लौट कर नहीं आ सकती। लेकिन हम माँ के बिन नहीं जी पाएंगे पापा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस हमें माँ ला के दे दो। नहीं बेटा नहीं नहीं, रोते नहीं बेटा, अच्छा बच्चा है ना बच्चू, तुम्हारी कभी कौन पूरी करेगा। अंदर जुग जुग जियो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। अरे इनकी जोड़ी तो साक्षी के लिए बनी है, इसके बिना तो ये दोनों ही अधूरे हैं। बेटा वैसे साक्षी, जब हम छोटे थे ना तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई थी। हम जानते हैं माँ की कमी कोई दूसरी औरत पूरी नहीं कर सकती, लेकिन क्या हम तुम्हारी दोस्त बनकर रह सकते हैं? हमसे दोस्ती करोगी? आप दुश्मन है हमारी, दुश्मन। सर ये मुंह पे टेप और आसपास खून देखकर लग रहा है मर्डर यहीं पे हुआ है। मर्डर भी क्या बिल्डिंग एरिया में, चाहे नाइट ड्यूटी पे था। सर मैंने बिल्डिंग सेक्रेटरी के साथ यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं, बिल्डिंग का ये पोर्शन सीसीटीवी रेंज में आता ही नहीं है। कार्ड को मार के किसी रेजिडेंट के फ्लैट में कांड तो नहीं कर दिया किलर ने? सर इस वक्त तो ज्यादातर लोग सो रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। पता तो करना पड़ेगा ना राहुल, कि कार्ड को मार के किलर क्या करने वाला था। सर यही पास में एमजे रोड पे एक मर्डर हुआ है। व्हाट, एक और मर्डर? बधाई हो, बेटी हुई है। और बच्चे की माँ कैसी है? माँ और बेटी दोनों ठीक हैं, पर बच्चे के पिता कहाँ हैं? कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सिस्टर हम भी बस उन्हें का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहीं फंस गए होंगे, आ जाएंगे। अब वहाँ सोसाइटी के गेट पे मर्डर हुआ और यहाँ रोड के ऊपर खुलेआम। सर दोनों एरिया में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लगता है सर दोनों का मर्डर एक ही है। हेलो पापा, आज तो आपने हमें दिखाई दिया, आपको तो कुछ हमारी पड़ी ही नहीं है, इस वक्त में भी आप हमारे साथ नहीं हो। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं इंस्पेक्टर हेमंत माथुर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, पर ये तो मेरे पापा का नंबर, मेरे पापा का है। बेटा आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, हम वहाँ के बात करते हैं। हम तो अभी हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल? रीना बेटा मेरी फोन पे तुम्ही से बात हुई थी ना? मेरा नाम साक्षी, रीना मेरी मम्मा, पर मेरे पापा का
क्या हुआ मेरे पापा को? आप कौन? मैं इनकी पड़ोसी हूँ सर, लेकिन हुआ क्या है? आप एक मिनट जरा मेरे साथ आइए। वो विवेक का फोन हमें इस लाश के पास मिला। सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब एक नवजात बच्ची जन्म ले रही थी उसी दौरान उसके पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था। ये आपसी रंजिश थी या फिर एंगल कुछ और था? कत्ल सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ था बल्कि एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड जो नाइट ड्यूटी पर था, ये रात उसकी भी आखिरी रात थी। एक ही रात में दो मर्डर्स या हाँ राहुल सर, इस सोसाइटी के हर घर में पता किया हमने, लेकिन यहाँ पर कहीं भी लूटपाट की कोई वारदात नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि किलर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के इरादे से ही आया? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा था। तो आगे बढ़ो राहुल, कोई क्लू मिला कि किलर कौन है? सर हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हर चुस्ती दिखाओ, जितना जल्दी हो सकता है पता करो और सबको बोलो कि ड्यूटी बदलने का वेट ना करें, जो जिस काम को कर रहा है उसी काम को पूरा करेगा। एक रात में दो दो मर्डर हुए, कोई ढिलाई नहीं चाहिए मुझे। ओके राइट सर। सर विवेक की वाइफ से बात की मैंने, वो सिक्योरिटी गार्ड विवेक का दूर का चाचा लगता था। व्हाट? और दोनों मर्डर्स की मॉडस ऑपरेंडी सेम है, तो क्या ये दोनों मर्डर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से? सीना ने कुछ और बताया? सर मैं बात कर ही रही थी कि उसका बच्चा रोने लगा तो वो उसे फील कर रही है। एक माँ के लिए कितना मुश्किल वक्त है, जब उसे खुद दिलासा की जरूरत है उसे अपने बच्चे को चुप कराना पड़ रहा। और सर बड़ी बेटी तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि अब उसके पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस वक्त हमें रीना से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। आजा। रीना, मैं समझ सकता हूँ ये सही वक्त नहीं है आपसे बात करने का, पर हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें जल्द से जल्द चाहिए। जब कौन कर सकता है ऐसा जिसने आपके पति विवेक और चाचा विश्वनाथ को इतनी बेरहमी से मार डाला? किसी पे शक है आपको? हाँ, मेरा भाई और मेरा बाप, मैं और मेरी माँ, हम दूसरों के घरों में काम करके घर चलाते थे, तब उनकी शान पे कोई दाग नहीं लगा, लेकिन जब मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे, उन्होंने ही मारा है विवेक जी को और चाचा जी को। सर अब उन्हें छोड़ना मत सर उन्हें।
लीना का बाप तू ही है। हाँ लेकिन अमित कहाँ है? क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? देखो रे, अंदर ढूंढो उसको। क्या हो रहा है साहब? सीना के पति और उसके चाचा का मर्डर। अरे क्या बोल रहे हो साहब आप? सर यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है अमित? मुझे नहीं मालूम साहब, और अमित ने कुछ नहीं किया साहब। वो रीना तो बस हम लोगों को फंसाना चाहती है। वो यही चाहती है कि हम बाप बेटे अंदर जाए। शर्म कर कुछ शर्म। तेरी बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया है और उसी वक्त तूने उसका सुहाग और उस बच्ची से उसका बाप छीन लिया। आप बाहर में जाए ऐसी बेटी जो अपने बाप और अपने भाई की नहीं हो सकी, किसी और की क्या होगी? देखे चलो इसको। चलो अरे क्या कर रहे हो हमने बोला था अपने पति से कि इन सब पचड़ों में ना पड़े, पर उस विवेक का घर बसाने के चक्कर में उन लोगों से दुश्मनी मोड़ ली। तो आपको भी लगता है कि अमित और उसके बाप ने आपके पति और विवेक को मारा? हाँ, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या कल शाम विश्वनाथ जी जब ड्यूटी पे जा रहे थे? चाचा हमारे पैसे कुछ सोचे? हमारा पैसा दिलवा दो, वरना तुम्हारे लिए हमसे बुरा कोई होगा नहीं, बता रहे हैं तुम्हें। आराम से घर में बैठ के बात करें। आराम से बात करें तो तमाशा क्या है? तो पैसे डुबवा दिए, ऊपर से आराम से बात करें। तुम्हारे और उस विवेक के बहकावे में आके पैसे हमने लगाए थे, तुम दोनों की वजह से हमारा पैसा डूबा है और तुम्हें देना पड़ेगा बस। अरे पैसा मेरा और विवेक का भी डूबा है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे तो फायदा भी मैं किसी को जानता था, और अगर नहीं दोगे ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के पैसा। भाई साहब क्या? अरे भाई साहब, अरे बच्चा बच्चा भाई, कौन था वो आदमी, कुछ मालूम है आपको? वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे पति का भी बहुत पैसा डूबा था इसमें, और वो भी विवेक के कहने पे लगाए थे। विवेक के कहने पे? ये विवेक ने कहाँ पैसा लगवाया था उनसे? अब रीना से ही पूछिए, उसे सब पता होगा। ये देखो क्या लाया तुम्हारे लिए आज, स्पेशल फ्रूट्स। हाँ, इसे कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। ये है और ये है कीवी। ए देखो, और ये एप्पल। इन्हें खाओ और एप्पल जैसा ही खूबसूरत हष्ट पुष्ट बेटा दोगी। लेकिन इतने महंगे फल लाने की क्या जरूरत थी? पहले से डिलीवरी का खर्चा सर पे है। ये सब देख लूंगा मैं, तुम बस ये समझ लो कि हमारी लॉटरी लगने वाली है। तुम फिर से लॉटरी के चक्करों में तो नहीं पड़ गए? अरे सब कुछ नहीं। अरे वाह, फ्रूट्स हम माँ के लिए काट देते हैं। अरे वाह क्या बात है, गुड गुड। देखो कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। अच्छा मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी तुमसे गुल मिल जाएगी। अभी तो इतनी खुश थी, अचानक से क्या हो जाता है साक्षी को? मैंने बताया था ना, साक्षी का मन और दिमाग दोनों अपनी माँ पे गया है। पर तुम तो बोलते थे मंजू दीदी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। रीना अब तुम्हें साक्षी को ऐसा माहौल देना है कि वो अपनी माँ को हमेशा के लिए भूल जाए। बेटा वहां क्यों खड़ी हो, ऐसे क्यों देख रही हो हमें? पहले मेरी माँ मर गई और अब मेरे पापा। बेटा हम हैं, हम तुम्हें ना पिता की कमी महसूस होने देंगे और ना माँ की। रीना मैं तुमसे कुछ बात करनी है। चलो रीना, हमें विश्वनाथ की पत्नी ने बताया कि किसी आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर कहीं पैसा लगाया था और विश्वनाथ ने विवेक के कहने पर लगाया था, दोनों का पैसा डूब गया। और जिस आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर पैसा लगाया था उसने विश्वनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। कौन आदमी? ये हम पता लगा रहे हैं। विवेक और विश्वनाथ ने कहां पैसा लगाया होगा, कुछ बता सकती हो इस बारे में? सर मुझे इतना मालूम है कि विवेक जी लॉटरी खेला करते थे। उन्हें किसी संतोषी नाम के आदमी का फोन आता रहता था। जब भी उसका फोन आता था वो बहुत परेशान हो जाते थे। सर ये लो रोटी।
साक्षी बेटा ये लो रोटी खाओ। कौन है ये? है? हमने कई बार देखा है तुम्हें, जब भी इसका फोन आता है तुम फोन काट देते हो। एक फ्रेंड का फोन है वो, अरे मैंने उसे पैसे लिए थे ना तो वही वापस करना है तो बार बार कॉल कर रहा है। सर विवेक के मोबाइल में संतोषी के नाम से एक नंबर फीड मिला है। बंद आ रहा है। पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर एक और बात अजीब है, विवेक की बीवी ने हमसे कहा कि मर्डर वाली रात फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट थी, लेकिन सर फैक्ट्री वालों का कहना है कि उस रात नाइट शिफ्ट थी नहीं। उसकी फैक्ट्री है सुखदेव नगर में, जबकि उसकी लाश मिली थी हमें एमजी रोड पर। हाँ राहुल बोलो। सर कल रात सिर्फ दो ही मर्डर नहीं हुए थे, राजनगर में भी एक तीसरा मर्डर हुआ था। What? तीसरा मर्डर? हाँ सर, राजनगर पुलिस से अभी अपडेट मिली है, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। सर उनके मुताबिक ये मर्डर कल रात 3 बजे के आसपास हुआ था, और जिसका मर्डर हुआ वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड था। सर ये कल रात राजनगर की एक शॉप के बाहर नाइट ड्यूटी पर था। सर इस किलर का फेस कवर है इसलिए इसका चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम मनोज है और ये सिक्योर सिक्योरिटीज का गार्ड था। एक मिनट, कौन सी बताई, क्या नाम बताया? सिक्योर सिक्योरिटीज। सिक्योर सिक्योरिटीज, ये विश्वनाथ बीसी एजेंसी का गार्ड था ना? राइट सर, और विश्वनाथ की बीवी ने भी इसे आइडेंटिफाई किया है। सर ये वही आदमी है जिसका कल शाम विश्वनाथ से झगड़ा हुआ था। पिछले 16 घंटों में 3 मर्डर हो चुके हैं, वो भी एक ही तरह की मोडस ऑपरेंडिस के। किलर हमारे इलाके में 2 मर्डर करके तीसरा मर्डर राजनगर में करने चला गया। ये किसी दूसरे इलाके में भी तो ऐसा कर सकता है, हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। राइट सर, इसलिए सीसीटीवी ग्रैब हमने सभी थाना क्षेत्रों में सर्कुलेट कर दिए। इसका मकसद क्या है? अगर हम विश्वनाथ की वाइफ की बात माने तो विश्वनाथ का इस आदमी से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ, और विश्वनाथ से विवेक ने ये पैसा कहीं लगवाया और एक ही रात में इन तीनों के मर्डर हो गया। ये मामला कहीं पैसों के लेन देन को लेकर तो नहीं है? सर विवेक, विश्वनाथ और मनोज, इन तीनों के फोन हमें क्राइम सीन पर मिले, और जब हमने इन तीनों के फोन चेक किए तो इनके फोन में एक ऑनलाइन लॉटरी ऐप इंस्टॉल मिला। सर हो सकता है कि ये लोग पैसा इसी ऐप में लगाते हो। राहुल, इस तरह के जो लॉटरी ऐप हैं हजारों लोग पैसा लगाते होंगे, ऐप का इन मर्डर से क्या लेना देना? अच्छा रीना का जो भाई है अमित, वो गायब है अभी तक। इस कार्ड को मानने का अमित का कोई मोटिव है? नहीं सर, अमित और मनोज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन वो गायब है अभी तक, उसको ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? सर हमने अमित के दोस्तों से पता करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन हमने सिक्योर सिक्योरिटीज के मैनेजर को यहाँ पर बुलाया है। ये वही एजेंसी है जहाँ पर मनोज और विश्वनाथ काम करते थे। सर हम खुद हैरान हैं कि एक ही रात में हमारे दो सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो गया। एक और भी मर्डर हुआ है, विवेक नाम है इसका, जानते हो उसको? सर चेहरा तो पहचाना सा लग रहा है, हो सकता है कभी मनोज और विश्वनाथ के साथ देखा हो। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लॉटरी भी खेलते थे, इन तीनों ने कहीं पर पैसा लगाया था। इस बारे में जानते हो कुछ? नहीं सर, हो सकता है इन तीनों का आपसी कोई झगड़ा हो, लेकिन सर हमारी एजेंसी का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सर ये संतोषी के कॉल डिटेल्स आ गए, लेकिन सर ये आदमी नहीं, ये एक औरत है, ये देखिए। और सर ये संतोषी एमजी रोड के जेजे कॉलोनी में रहती है, और उस रात विवेक का फोन 2 बजे तक जेजे कॉलोनी में एक्टिव था। नहीं विवेक जी हमारे साथ नहीं थे कल। 3 मर्डर हुए, अगर हमसे झूठ बोला, कुछ भी छुपाया, बहुत बुरी तरह से फंसोगे। अब बोलो क्यों फोन करते थे इतने विवेक को? वो तो मैं बस पूजा ब्लैकमेल करते थे विवेक को। नहीं मैडम, हमें पता चला है कि तुम उससे पैसे मांगा करती थी। किस बात के पैसे मांगती थी? हमने कोई पैसे नहीं मांगे सर। तो फिर फोन क्यों करती थी उसको इतने? क्या वजह थी? क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? हम पसंद करते थे विवेक जी को। दो बच्चों के बाप को किस रिश्ते से पसंद करती थी? प्यार करते थे विवेक जी से, और विवेक जी भी हमसे प्यार करते थे। वो तंग आ चुके थे उस रीना से, और उन्हें तो शक था कि वो बच्चा भी उनका नहीं है। रीना से हम तंग आ चुके हैं संतोष, बात बात पे हमको पीट देती है,
और तुम पिट लेते हो। क्या करें, अपनी बच्ची की वजह से सहते हैं उसको, बस उसका मानसिक संतुलन खो चुका है पूरी तरह से, पागल हो गई है वो। हमने तो अपनी बच्ची की वजह से उससे शादी की थी, लेकिन वो ना जाने किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही थी, और हमसे, एक बच्ची के बाप से शादी कर हमारी जिंदगी नरक बना दी। उस रीना ने अपना पाप छुपाने के लिए शादी की थी विवेक जी से। हमें पक्का यकीन है कि उसी ने मरवाया है विवेक जी को। विवेक के साथ दो सिक्योरिटी गार्ड का भी मर्डर हुआ, और उनमें से एक विवेक का चाचा था। विवेक जी ने अपने चाचा को भी सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन मर्डर वाली रात विवेक का फोन यहीं पर एक्टिव था, और उसकी लाश भी यहाँ से कुछ ही दूर एमजी रोड पर मिली हमें। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बातों में आ जाएंगे हम? हम मानते हैं विवेक जी यहाँ आए थे कल, लेकिन उस रीना का फोन आया था, और फोन आते ही विवेक जी निकल गए थे यहाँ से। मुझे पूरा यकीन है सर, उसी ने यह सब किया है, और टाइमिंग भी वो चुनी जब उसका बच्चा पैदा हो रहा था, ताकि वो बच जाए और आप लोग हमें परेशान करें। तो तुम्हारे कहने का मतलब है? क्या हुआ संतोषी? तुम कौन? मैं संतोषी, मेरी बहन हूं। तुमने तो कहा था कि संतोषी एक आदमी है, लेकिन ये तो औरत है। ये औरत संतोषी है? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जानती हो इसको। सर हमें इतना मालूम है, ये विवेक जी की किसी दोस्त की बहन है, हम इसको नाम से नहीं जानते सर। लेकिन ये तो जानती होंगी ना कि विवेक का अफेयर चल रहा था इसके साथ। अफेयर? नहीं सर, सर विवेक जी के बारे में इतना बुरा मत बोलिए सर। लेकिन विवेक तो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता रहता था, उसने तो कहा कि तुम विवेक के साथ मारपीट करती थी। और झूठ बोल रही है सर। उसने तो यहाँ तक कहा है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हें शक करने की बीमारी है, तुम्हें गुस्सा आता है, मारपीट करती हो बात बात पे, यहाँ तक ये बच्चा भी विवेक का नहीं है। नहीं सर, सर ये झूठ है, सच नहीं है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो औरत वही सब कुछ क्यों बोल रही है जो विवेक जी हमें बोला करते थे। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सर विवेक जी अपनी पहली बीवी मंजू के बारे में भी ऐसा ही बोला करते थे हमें। रीना, मंजू ने मेरा जीना हराम कर रखा है, उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, शक करती है मुझ पे। तुम इतना सब सह क्यों रहे हो? सिर्फ बेटी की वजह से उसको झेल रहा हूं मैं, नहीं तो। अगर ऐसा है तो तुम मंजू से तलाक ले लो ना। हम यही सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे बस। सर तलाक तो नहीं हुआ था उनका, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद उनकी पहली बीवी मंजू की मौत हो गई, फिर हम दोनों ने शादी कर ली थी। मंजू की मौत कैसे हुई थी? सर उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, वो छत से फिसल कर गिर गई थी। पिछले 24 घंटों में एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के 3-3 गार्ड्स का मर्डर, और साथ में विवेक का भी, हो क्या रहा है ये? ये कोई सीरियल किलर तो नहीं है जो एक के बाद एक मर्डर्स किए जा रहा है? इससे पहले कि ये और मर्डर्स करें हमें इसे रोकना होगा। अपना नेटवर्क एक्टिव करो, और टीम को बोलो कोई घर नहीं जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। साक्षी बेटा बिल्कुल डरो मत, मैं तुम्हारी पहली मम्मा मंजू के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप तो इनके पड़ोसी है ना मीरा जी? जी मैडम। क्या विवेक की पहली पत्नी का मानसिक संतुलन वाकई में खराब था? हाँ मैडम, देख के तो ऐसा ही लगता था, उसे अपनी सुध भी नहीं थी, शायद इसीलिए टेरेस पे से वो फिसल के गिर गई हो। मम्मी उठो ना, मम्मी। लेकिन माँ की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा साक्षी पर,
वो अपने पापा पे भी शक करने लग गई। माँ सही बोलती थी, आप उन्हें मारना चाहते थे और आपने सच में उन्हें। अरे बेटा होश में आ। देख मैं जानता हूँ कि तू अपनी माँ से बहुत प्यार करती, लेकिन हम भी तो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं ना। अरे हम क्यों करेंगे ऐसा बेटा, क्यों करेंगे हम? हम क्यों मारेंगे तुम्हारी माँ? लेकिन मैं जानती हूँ विवेक साक्षी और मंजू दोनों का बहुत ख्याल रखता था। और ये विवेक और रीना का रिश्ता कैसा था? रीना बहुत अच्छी है मैडम, उसने आते ही साक्षी को संभाल लिया और आने वाली बच्ची के लिए भी बहुत खुश थे, उन्हें बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ये रीना और संतोषी दोनों ही विवेक के बारे में अटपटा बयान दे रही है। मर्डर से विवेक का ही नहीं हुआ है, पिछले 24 घंटों में 4 मर्डर हो चुके हैं। ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं है, बात कुछ और है जो सामने आनी बाकी है। राहुल मैं मुकुंद नगर ही पहुंच रहा हूँ। सर मुकुंद नगर ही नहीं, अभी अभी संगम विहार में भी एक मर्डर और हुआ है। What? एक और मर्डर? हाँ सर, और इस बार मर्डर घर में हुआ है। जैन सर, जैन सर, जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसका नाम विक्रम है, और यहाँ आई विटनेस के मुताबिक उन्होंने घर के पास वैसे ही किसी आदमी को देखा जिसने रेनकोट पहना हुआ था। ये विक्रम तो जुम्मा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में एक मैनेजर था। कल रात से लेकर अब तक 5 मर्डर हो चुके हैं, जिसमें से 3 एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड थे। विवेक एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और ये विक्रम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर। इन 5 विक्टिम्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं? जिस तरह से मर्डर किए जा रहे हैं ये कुछ भी कर सकता है, इसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। शहर में जितनी भी पेट्रोलिंग टीम है सबको अलर्ट करो, पूरे शहर में गश्त लगाए। ये आसपास चेक करो अच्छे से, शायद कुछ मिले। मूव सर, सर ये देखिए, ये तो जिंदा है, एम्बुलेंस बुला फास्ट। और यहाँ हर जगह अच्छे से चेक करो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। मूव सर। तो कल रात उसने 2 लोगों को टारगेट किया है? अभी तक दोनों की पहचान पता नहीं चली है सर, लेकिन उनमें से एक आदमी जिंदा है, बहुत बुरी तरह घायल है, इसलिए हॉस्पिटल भिजवा दिया उसे। पिछले 36 घंटों में 6 लोगों को मार चुका है वो, और 7वां मरने के कगार पे। कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, कुछ नहीं। उस आदमी का बचना बहुत जरूरी है, शायद उससे हमें कोई क्लू मिल सके कि वो क्यों कर रहा है ऐसा और कौन है। और फिर दोनों विक्टिम है, उनकी फोटो भेजे मुझे क्विक। सर सर मैंने चेक किया था, ये विवेक भी हमारी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड था। तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने अभी चेक किया तो मुझे पता चला, लेकिन 1 साल पहले इसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई थी तो हमारी एजेंसी में काम करना बंद कर दिया था इसने। तो मनोज, विश्वनाथ, विवेक और ये 4th श्याम, ये सब के सब तुम्हारी एजेंसी के गार्ड थे, और ये 5th विक्रम सिंह प्रेजेंट में जिग्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर था, इसका कोई कनेक्शन है तुम्हारी एजेंसी से? जिग्मा कंपनी? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और सर मैं किसी विक्रम सिंह को भी नहीं जानता। एक और मर्डर हुआ है छठा, ये और ये 7वां, इसको भी जान से मारने की कोशिश की गई है, कौन है ये, जानते हो इनको? अब मैं ऐसे कैसे पहचान सकता हूँ, इतने लोग हमारी एजेंसी में काम करते हैं, और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। देखो अगर कुछ भी हमसे हाँ पूजा। सर रीना के भाई अमित को हमने पकड़ लिया है, और सर ड्रग्स मिले उसके पास। गायब नहीं हुआ था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पैर में चोट कैसे लगे? नशे में था तो पैर पे गाड़ी चढ़ गई। नशे में होश खो दिया, इतना नशा किया कि मैंने किसी को नहीं मारा, मारना होता तो वो विवेक को मारता ना, बाकी को क्यों मारूंगा? ये सारा कांड है ना रीना का है, वो मुझे फंसा रही है। कर रही है ये? अब जानते नहीं उसको, जो अपने भाई की नहीं रही, बाप की नहीं रही, वो किसी और की क्या होगी? ऐसे क्यों देख रही हो? कोई नाइट ड्यूटी नहीं करते हो तुम किसी फैक्ट्री में, सब मालूम कर लिया हमने, धोखा दे रहे हो ना हमें। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे,
तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। गलत फहमी हुई तुम्हें कोई? नहीं हुई है गलत फहमी मुझे। अरे क्या तुमने सच में हमारे पापा को? ये क्या बोल रही है साक्षी? लेकिन ये सच है, वो आदमी हमारे साथ जो कर रहा था वो उसने तुम्हारे माँ के साथ भी वही किया था। वो धोखेबाज था। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। लेकिन अब हमें तुम्हारे लिए और अपनी बच्ची के लिए जीना है। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे साक्षी, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम। हाँ मुकेश जी, अकाउंट में पैसे आ गए जी। साक्षी, हॉस्पिटल का बिल चुकाना है ना, तो इसीलिए पैसे मंगवाए थे। पर ये मुकेश है कौन जिसने आपको पैसे भेजे? आप हमें बना रही हो ना? नहीं साक्षी, तुम हम पे शक कर रही हो। तो फिर ये मुकेश है कौन? हम नहीं जानते सर वो कौन था। वो अचानक से आया और उसने सर हमारे सर पे वार कर दिया सर। तुम काम क्या करते हो? जब से पढ़ाई पूरी की है तब से काम नहीं मिला सर, जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। अच्छा, वो दिखता कैसा था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? अंधेरा काफ़ी था सर, याद नहीं सर। कैजुअल हो सकते हैं उसका? कोशिश कर सकता हूँ सर। ठीक है, अपने घर वालों का नंबर दो, हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें। नहीं नहीं सर, मेरी माँ को हार्ट प्रॉब्लम है सर, अगर उनको मेरे बारे में पता चलेगा तो सर खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ सर, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, स्केड्यूल होने के बाद तुम घर जा सकते हो। आर्टिस्ट बुलाओ क्विक। सर, ये विक्रम सिंह जिस जिग्मा कंपनी के लिए काम करता था उस कंपनी का सिक्योरिटी एजेंसी से एक कनेक्शन मिला है। कैसा कनेक्शन? सर, इस कंपनी को ये सिक्योरिटी एजेंसी पहले गार्ड्स प्रोवाइड कराती थी, लेकिन एक साल पहले उस कंपनी ने इस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर तो बोल रहा था कि वो जिग्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ सर, और अब वो बोल रहा है कि उसे याद नहीं क्योंकि ये सब एक साल पहले हुआ था। By the way, इसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट हुआ था? सर, दरअसल एक साल पहले इस कंपनी में भी एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हुआ था और वो गार्ड भी इस सिक्योर सिक्योरिटीज के लिए काम करता था। मतलब इस कंपनी में कुछ तो झोल है। सर, मुझे तो इस कंपनी में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि पता चला है कि जिस गार्ड का मर्डर हुआ था उसका केस इस कंपनी ने दबा दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। अच्छा, एक साल पहले जिस गार्ड का मर्डर हुआ था कौन था वो? देखो साक्षी, मुकेश जी हमारे भाई जैसे हैं। वो प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं, उन्होंने ही हमें एक बड़ी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाई थी जहाँ हम तुम्हारे पिता से मिले थे। चलो बेटा। रीना, तुम इतना कुछ जानते थे रीना, लेकिन तुमने हमसे अब कुछ बताया क्यों नहीं? सर आप क्या बोल रहे हो? अभी तक हमें ठीक से ये पता नहीं चला है कि विवेक और संतोषी का अफेयर चल रहा था। तुम इस बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? लेकिन विवेक एक सिक्योरिटी गार्ड था, ये तुम अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि वो उसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था, जिग्मा में, जहां पर तुम सफाई कर्मचारी थी। तुम उन सभी गार्ड्स को जानती थी जिनके एक के बाद एक मर्डर्स हुए हैं, क्योंकि वो उसी कंपनी के गार्ड थे। क्यों छुपाया हमसे? क्यों नहीं बताया? सर, आपने जो कुछ भी पूछा मैंने बता दिया, लेकिन इस सिग्मा कंपनी के बारे में आप क्या बोल रहे हो? एक साल पहले ये सुबोध नाम के गार्ड का भी मर्डर हुआ था, ये भी उसी कंपनी में, और इसके मर्डर के बाद तुम्हें और बाकी के गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया गया था। क्यों? विक्रम जी, क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कर रहे। मुझे मारेगी? सुबोध काका, सुबोध काका, सुबोध काका, विक्रम जी। हम वहां साफ सफाई का काम करते थे, इसलिए कुछ नहीं कह पाए। लेकिन सुबोध काका ने बोला था वो बड़े साहब से उस मैनेजर की शिकायत करेंगे। लेकिन अगले ही दिन सुबोध काका के स्टोर रूम में लाश मिली। उसके बाद उस मैनेजर ने सारा केस दबा दिया। उसने हमें
और सारे गार्ड्स को नौकरी से निकलवा दिया था। उसके बाद कई कई महीनों तक हमें काम ही नहीं मिला। उस मैनेजर ने सबको रास्ते पे लेके आया। उसके बाद उस मैनेजर विक्रम का खुद मर्डर हो गया। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्या वजह इसकी? क्या जानती हो तुम इस बारे में? सर, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बोल दिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। सर, सुबोध के अलावा ये सभी गार्ड उस कंपनी में एक साल पहले काम करते थे। और ये छड़ा विक्टिम विनोद, इसकी लाश रमेश के साथ। सर, उस रमेश नाम के लड़के ने ये स्केच बनवाया। ये तो गणेश है, संतोषी का भाई। शिवी एजेंसी का गार्ड था। हमारे भैया ने किसी को नहीं मारा है सर। है कहाँ वो? हाँ संतोषी, क्या हुआ? भैया कहाँ है आप अभी? अरे मैं बस स्टैंड पे जा रहा था और ड्यूटी जाने के लिए। भैया, भैया, गणेश भैया। इतने लोगों को मारा तूने, क्यों कर रहा था ये सब? क्यों? क्योंकि आज 10 सितंबर है। एक साल पहले इसी दिन मेरे पापा का मर्डर हुआ था। तेरे पापा का मर्डर? सुबोध सिंह मेरे पापा थे, उस जिग्मा कंपनी में उनका मर्डर हुआ था। उनके साथ किसी भी काम करने वाले ने उस मैनेजर के खिलाफ मुंह नहीं खोला, इसीलिए मैंने सोच लिया कि आने वाले 48 घंटों के अंदर मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी के दिन मैं उस सबसे बता लूंगा। विनोद को तू नहीं मारा, फिर उसकी लाश के पास तू मैं बेहोश कैसे मिला? वो विनोद ज्यादा ताकतवर निकला। उस कमीने ने मेरा ही सर खोल दिया। जब आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा अगला टारगेट वो गणेश था। सोचा उसका स्केच बनवा दूंगा, फिर उसको मारकर गाड़ दूंगा और आप लोग उसे किलर समझकर ढूंढते रहेंगे। इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। सही इंसाफ ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। लोगों की चुप्पी, शातिर मैनिपुलेशन, कमजोर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक नाइंसाफी का परिणाम कितना घातक हो सकता है, ये पिछले 48 घंटों में हुई वारदातों पे हम जरूर लगा सकते हैं। माना एक साल पहले सिक्योरिटी गार्ड सुबोध मर्डर केस कई रहस्यमयी सवालों के साथ अनसुलझा रह गया था, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ाई आवाज उठाकर लड़ी जा सकती है, हथियार उठाकर कभी नहीं। लोगों का खून बहाना एक बुजदिली है जिसे रमेश जैसे लोग हिम्मत समझ लेते हैं। हमें समाज से ऐसी मानसिकता को हटाना होगा जो अपराध और अपराधी को जन्म देती है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।